एकता परिषद के द्वारा कंचनपुरा में श्रमदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मालूम हो कि श्रमदान शिविर का आयोजन करने के साथ जहां तालाबों का बधान किया जाता है, जिससे आगामी बारिश के मौसम में यहां पर पानी का एकत्रीकरण हो सके, इसके साथ ही मजदूरों को भोजन किट का वितरण किया जाता है और भोजन करके वितरण के साथ भंडारे का भी आयोजन होता है। इसी तरह का आयोजन एकता परिषद के द्वारा किया गया। एकता परिषद, एकता परिषद जिंदाबाद, एकता परिषद जिंदाबाद, एकता परिषद जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में जो श्रमदान का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ एकता परिषद के माध्यम से, और ऐसा कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा जो मजदूर वर्ग या पलायन करने वाले लोग हैं उनका सहयोग होता है और उनके लिए एक नई दिशा मिलती है, और इसी के माध्यम से आगे ऐसे प्रयास होते रहें जिससे पलायन करने वाले मजदूरों के लिए अपने गांव में ही कुछ ऐसे काम मिलें और गांव में ऐसे काम होते रहें जिन कामों के जरिए लोगों के लिए एक नया संदेश मिले। और एकता परिषद द्वारा पूरे देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखकर प्रवासी मजदूरों और पलायन करने वाले मजदूरों, रोज कमाने और खाने वाले मजदूरों को लेकर एक श्रम शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश में 180 से अधिक श्रमदान शिविर आयोजित किए गए हैं। उसी श्रृंखला में आज जिला दमोह के इस कंचनपुरा गांव में 5 दिवसीय श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर श्रमकर्ताओं ने एक बेहतरीन तालाब का गहरीकरण का काम किया, उसके मरम्मत का काम किया। आज समापन के मौके पर यहाँ पर उपस्थित अतिथियों के करकमलों से उन तमाम श्रमकर्ताओं को राशन सामग्री की किट बांटी गई।